नमस्कार, आप सुन रहे हैं पंजाब केसरी पॉडकास्ट। न्यूज फ्रेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। आज है 12 मई और दिन शुक्रवार, तो चलिए आज की कुछ ताजा खबरों का रुख करते हैं। पेपर लीक और करप्शन के खिलाफ सचिन पायलट की यात्रा का आज दूसरा दिन है। पायलट के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक यात्रा में चल रहे हैं। सचिन पायलट ने एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। अनुशासनहीनता के आरोपों पर कहा कि वसुंधरा राजे के राज के वक्त हुए करप्शन की जांच की बात उठाना अनुशासनहीनता कैसे हो गया। पायलट ने गहलोत खेमे की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर भी तीखा पलटवार किया। सचिन पायलट ने कहा कि मैंने जब अनशन किया तो वसुंधरा राजे के करप्शन के खिलाफ किया। मुझे समझ में नहीं आता कि यह पार्टी के अनुशासन को लांघने का केस कैसे बनता है। अनुशासन तोड़ने का काम तो 25 सितंबर को किया गया था, जब सोनिया गांधी के स्पष्ट आदेश थे दोनों पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक करवाने आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की पदयात्रा में आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। इसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की तैनाती कर दी है। साथ ही राजस्थान डीजीपी को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अपनी ही कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर जन संघर्ष पदयात्रा निकाल रहे सचिन पायलट को आतंकी हमले का खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के डीजीपी को एक गोपनीय पत्र भेजकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ की एक बटालियन ने काफी सारे जवान पायलट की सुरक्षा के लिए अजमेर भेज दिए गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की आज 11 मई से 15 मई तक होने वाली जन संघर्ष यात्रा को सीआरपीएफ का सुरक्षा कवर मिलेगा। पीने का पानी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है। सीएम अशोक गहलोत बार बार 13 जिलों में प्रस्तावित ईआरसीपी का मामला लगातार उठा रहे हैं। आने वाले चुनाव में यह बड़ा मुद्दा रहने वाला है, खासकर प्रभावित जिलों में। प्रदेश में हालत चिंताजनक है। 10 कस्बों में 96 घंटे यानी 4 दिन और 14 कस्बों में 72 घंटे यानी 3 दिन में एक बार पेयजल सप्लाई होती है। वहीं 95 शहरों और कस्बों में 2 दिन में एक बार नल का पानी आता है। केवल 109 कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों को 24 घंटे में एक बार पेयजल सप्लाई होती है। हालांकि इन शहरों कस्बों में गर्मी बढ़ने के साथ ही पाइपलाइन के टेल एंड पानी का प्रेशर कम हो गया है और केवल 20 से 30 मिनट ही पानी मिल पाता है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गुरुवार को नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा। करीब 15 साल बाद करनाल स्थित वीर तेजाजी मंदिर पहुंची वसुंधरा ने कहा कि जब आपने तय कर लिया है कि यह अपने घर की बेटी है तो हम न किसी से डरते हैं न पीछे हटते हैं, छाती पर पैर रखकर आएंगे और बदलाव लाकर रहेंगे। वसुंधरा वीर तेजाजी मंदिर के विकास कार्यों को लेकर हनुमान बेनीवाल पर हमला बोल रही थी। उन्होंने वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के लिए 21 लाख रुपए भेंट किए। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे ने तेजाजी मंदिर दर्शन के कार्यक्रम से 2 दिन पहले आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर तंज किया था कि राजे ने 2008 में तेजाजी मंदिर के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। इस पर आज वसुंधरा ने कहा कि मैं अपने वादे कभी नहीं भूलती। राजधानी जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में सेक्टर 1, सेक्टर 2 एवं आसपास के क्षेत्र में 12 मई शुक्रवार को 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। इन इलाकों में बिजली विभाग मेंटेनेंस करेगा। इसके चलते शहर के इन इलाकों में सप्लाई बंद रखी जाएगी। सुबह 10 बजे से मेंटेनेंस शुरू होगा जो शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके चलते बिजली सप्लाई नहीं होगी। ऐसे में लोग अपने जरूरी काम पहले से ही निपटा लें ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल फ्रेश न्यूज में इतना ही। कुछ और ताजा खबरों के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए पंजाब केसरी पॉडकास्ट।